वेलकम टू ब्रोटोमोटिव, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि गाड़ी के अलॉय व्हील्स कैसे रिपेंट किए जाते हैं। आज हमारे पास ऑडी Q5 आई है, इसके व्हील्स हम सिल्वर एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में पेंट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, उन्होंने डीलरशिप में पहले ये रिपेंट करवाए थे बट फिनिशिंग उनको उतना अच्छा नहीं लगा। वीडियो में व्हील पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय Budmo। Budmo आर द ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप Budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। Budmo हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। Budmo अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। यू कैन चेक आउट देयर वेबसाइट एंड ऑल्सो डाउनलोड देयर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS बोथ। तो जिस तरीके से ये व्हील पेंट किया गया है, बाहर से तो हमने पूरा सैंड कर लिया और कलर को जो है उतार दिया क्योंकि फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं था, बट जब हमने व्हील को पलटी किया तो अंदर की साइड पता चला कि अंदर की तरफ कलर किधर मारा ही नहीं है। यहाँ मैं क्लोजअप में भी अगर आपको दिखाऊंगा, इनर सेक्शन पूरा पेंट किया ही नहीं है, ओरिजिनल छोड़ दिया, और इधर पूरा कलर का ओवर स्प्रे है, पूरा रफ छोड़ दिया है। तो अभी इस वजह से हमारा काम जो है वो बढ़ गया है। अभी हमको ये पूरा सैंड डाउन करके सारा रफनेस हटाना पड़ेगा और अंदर की तरफ से भी और बाहर की तरफ से भी इसको पूरा प्राइमर अच्छे से करना पड़ेगा। नासिर भाई, इसमें प्राइमर भी नहीं किया था ना? किया था नहीं? किया ना, सीधा कलर चढ़ाया। तो जब प्राइमर हम सरफेस पे नहीं करते हैं तो पेंट बॉन्डिंग में प्रॉब्लम देता है, चिपिंग इजीली हो जाता है। 2K प्राइमर यूज़ करना चाहिए पेंट एप्लीकेशन से पहले, और अभी हम बाहर और अंदर से पूरा ये करने वाले हैं। तो प्राइमर हमने कंप्लीट कर दिया है, अब हम प्राइमर सैंडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम टायर्स एंड व्हील्स को सेपरेट करके पेंट क्यों नहीं मारते। तो एक्चुअली जितना विजिबल सेक्शन है उतना ही हमें पेंट करने की जरूरत है। अंदर और बाहर की साइड से व्हील खराब नहीं दिखना चाहिए, बाकी जो हिस्सा टायर के नीचे जाता है वो चलता है अगर पेंट नहीं किया जाए तो। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि टायर प्रेशर हम कम कर दें ताकि एजेस पर हम कलर अच्छे से बिठा पाए। मेन रीज़न जो है कि हम टायर सेपरेट नहीं करते हैं वो ये है कि रीफिटिंग के टाइम में जो टायर फिट कर रहे हैं वो एजेस एंड कॉर्नर्स पे कलर को चिप कर सकते हैं, तो वापस से पूरा फिनिश दोबारा करना पड़ेगा। अगर हमें इन अलॉय व्हील्स को सिंगल टोन में पेंट करना होता तो जितना अभी तक आपने प्रोसेस देखा है बस प्रोसेस उतना ही है, पर इस पर्टिकुलर केस में हम इसे 2 टोन में पेंट करने वाले हैं। तो हम इसे वापस से सैंड डाउन करेंगे,
ताकि नेक्स्ट लेयर ऑफ कलर अच्छे से बैठ सके। फिर से अलॉय व्हील्स को मास्किंग करेंगे और उसके बाद हम सिल्वर कलर एप्लीकेशन एंड क्लियर कोट का एप्लीकेशन वापस से करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एजेस पर हमने फाइन लाइन टेप का यूज किया है। फाइन लाइन टेप से मास्किंग करने में एक्चुअली बहुत अच्छा सेपरेशन क्रिएट होता है। अब बेस कोट कंप्लीट हो चुका है। एक बार क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद अब हम फाइनल क्लियर कोट का एप्लीकेशन करने वाले हैं। टोन में अलॉय व्हील को पेंट करने के लिए टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा जाती है, तो नेचुरली कॉस्टिंग भी बहुत महंगा रहता है कंपेयर टू सिंगल टोन। आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपनी गाड़ी पे सिंगल टोन में कलर कराना चाहते हैं, जैसे पियानो ब्लैक फिनिश या सिल्वर में, या फिर आप टू टोन में पेंट कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू ब्रोटोमोटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।